गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां? आपणे धोरण 5 नी अंदर हिंदी विषय जेवुं के आपणे जाणीए छीए मित्रो के हिंदी नी अंदर आपणे लास्ट टाइम पेज नंबर 56 करेलुं हतुं अने हवे 57 58 59 अने 60 आ कम्प्लीट करीए एटले आपणे फर्स्ट सेमेस्टर नो पांचमा धोरण नो हिंदी नो कोर्स कम्प्लीट थई जशे। જેવું કે આપણે જાણીએ છીએ કે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીનો કોર્સ કમ્પ્લીટ કરી લીધા બાદ હવે એક ગણિત અને પર્યાવરણ આસપાસનો પાંચમા ધોરણનો કોર્સ બાકી રહી છે, બરોબર? એ પણ આપણે ઝડપથી પૂર્ણ કરીને હવે ફર્સ્ટ એક્ઝામ તરફ આગળ વધીશું। કેવાની વસ્તુ એ છે મિત્રો કે જેવું આપણે પાંચમા ધોરણની અંદર એક્ઝામ્સ આવે એની પહેલા કોર્સ કમ્પ્લીટ કરી લીધેલો છે તો આપણે પણ હવે એનું રિવિઝન પણ ચાલુ કરીશું। કોઈ જાતની મૂંઝવણ હોય તો તમે સ્કૂલે આવીને રજૂઆત કરી શકો છો, બરાબર? છતાં પણ કોઈને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને મારા નંબર ઉપર મેસેજ અથવા ફોન કરી શકો છો, રિપ્લાય તમને તુરંત જ મળી જશે। તો ચાલો પેજ નંબર 57 ઉપર મૌખિક કસોટી સ્ટાર્ટ કરીએ। ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પેજ નંબર 57 મૌખિક કસોટી પ્રશ્ન નંબર 1। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ। પહેલું, નન્ના રહી ધૂપ મેં ક્યાં બહાયેગા? जवाब में आवे नन्हा रही धूप में पसीना बहाएगा। बीजू, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी अपने अपने घरों से निकलकर चहक रहे हैं और उड़ रहे हैं। लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह इंसान की तरह और थोड़ा बड़ा होता है, सामान्य बंदर से थोड़ा बड़ा होता है। राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए वन में गए, पिता की आज्ञा के पालन के लिए वन में गए, वनवास के लिए गए। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत ने उसके चरण छू लिए। यातायात के साधनों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2, तीन पहिए वाला ऑटो रिक्शा और हमें जी गुजराती में हम कहते हैं उसके यानी छकड़ा यानी ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा यही हम लिखेंगे। चार पहियों वाले मोटर कार, पानी में चलने वाला नौका, आकाश में उड़ने वाला एरोप्लेन, दो पहियों वाला स्कूटर या बाइक। प्रश्न नंबर 3, किन्हीं पांच फूलों के नाम बताइए। गुलाब, जासूद, हम ये भी बोलते हैं गुलाब जस्मीन, फिर जुई, चंपा, चमेली, ऐसे बहुत सारे फूल हैं। गेहूं, बाजरी, ज्वार के हिंदी नाम बोलिए। गेहूं यानी गेहूं, बाजरी यानी बाजरा, ज्वार यानी ज्वार। रसोई घर के साधनों के नाम बोलिए। तो रसोई घर में हम बहुत सारे बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चम्मच है, कढ़ाई है, हम जिसे तपेली कहते हैं वो कढ़ाई, ऐसे बहुत सारे नॉन स्टिक पैन है। गुजराती में इसे क्या कहते हैं? कमल तो कमड़, कनेर, गुड़हल, गेंदा, ये सब हमें जो भी आगे गद्य पद्य के उस सब में शब्दार्थ में लिखे है उसमें से हमें लिखना है। विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। सुबह शाम, सूखा गीला, दोस्त दुश्मन, दिन रात, गलत सही। प्रश्न नंबर 5 पेज नंबर 58 संकेत का अर्थघटन कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें डाक डालनी नहीं है क्योंकि यहाँ से ये ताला खुला हुआ है, फिर यहाँ पे सिगरेट पीनी नहीं है, यहाँ से चलना नहीं है, और यहाँ यहाँ चलना है, और यहाँ पे जो बम्प है यानी के जो स्पीड ब्रेकर हम कहते हैं वो है, तो उससे हमें सावधान रहना है। क्रियात्मक कसौटी, तो यहाँ पे हमें क्रिया करनी है, जैसे कि नन्ना मुन्ना रही हम कविता का अभिनय करके साथ गाना गाइए। अंक एवं शब्द पर आधारित फ्लैश कार्ड टोकरी में रखिए। कोई दो ऐसा फ्लैश कार्ड निकालिए जो अंक एवं शब्द के सही रूप में हो, जैसे कि अंक 11 है तो शब्दों में भी 11, 17, 39, 29 और 49, ठीक है मित्रों। पेज नंबर 59 पर भिन्न भिन्न रैपर्स देखेंगे, उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रैपर यानी क्या? तो
जो भी हम चॉकलेट्स, पेपरमेट और बिस्कुट, कोई भी मैगी, उनका जो भी बाहरी आवरण है उसको हम रैपर बोलेंगे। उस पे बहुत सारी जानकारियां लिखी है मित्रों, जैसे उसकी कीमत क्या है, वो कहाँ पे बना है, फिर उसका वजन क्या है, कीमत क्या है, ये सभी उस पर लिखा हुआ होता है। यह रैपर की कीमत किसने छापी है, तो जो कंपनी वालों ने जो इसे बनाते हैं, उत्पादन करता, उसने छापी है। यह चीज कब की बनी हुई है, यह भी हमें लिखना है। इस चीज को इस्तेमाल करने की अंतिम तारीख क्या रहेगी मित्रों, अंतिम तारीख क्या रहेगी, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। कार्ड पत्ते से उसके समानार्थ वाले शब्द ढूंढकर जोड़िए। दोस्त तो सखा, मित्र मूर्ख तो बेवकूफ, वक्त तो समय, सुबह तो प्रातः काल। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हमने जोड़ दिए हैं। उचित पट्टी चुनकर सही वाक्य बनाइए। मोहन पाठशाला जाता है, घोड़ा घास खाता है, सैनिक देश की रक्षा करता है, बैल तेजी से दौड़ता है। चलो लिखित कसौटी पर, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा, आगे ही आगे कदम बढ़ाएगा, पीछे नहीं हटेगा। किन्हीं चार पक्षियों के नाम लिखिए, चिड़िया, फिर बाज, कोई भी चार पक्षी के हमें नाम आते हो हम लिख सकते हैं, मैं बोलू वही लिखना है, जरूरी नहीं है। बंदर को लोग क्या खिला रहे हैं, केला। भरत ने खड़ा लेकर क्या करने का सोचा, भरत ने खड़ाव लेकर उसको राजगादी पर रखकर राजकाज का काम करने का सोचा। चार अनाजों के नाम हम भी लिख सकते हैं जो आगे भी आ गए हैं। पेज नंबर 60 पे किसी एक विषय के बारे में 10 वाक्य लिखना है। मेरे गांव, मेरा परिचय, मोर, इन्हीं में से किसी भी एक विषय पर आपको लिखना है जो जरूरी है लिखना, और चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं। ये गांव के नदी का चित्र है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक औरत है, वो पानी भरने आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बतख है यहाँ पे, गाय पानी पी रही है, कपड़े भी सुखा रहे हैं, सभी धो रहे हैं। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है, मने चित्र दोनों खूब पसंद है। पीले रंग के कपड़े में सीता सुंदर लगती है, पीड़ा रंगना कपड़ा में सीता खूब सुंदर लगे। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, हॉकी हमारो राष्ट्रीय रमत है, अपनी राष्ट्रीय रमत है। गाय दूध देती है, गाय दूध आपे। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे हम अधूरे वाक्य पूर्ण करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़कियां खेल रही है, हम सब बच्चे हैं, यह कुत्ता है, इन किताबों में महाभारत की बात है, हम पढ़ते हैं। मित्रों, आज हमने ये प्रथम सत्र का जो भी कोर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और अभी जो पेज नंबर 57, 58, 59 और 60 है वो बे आपने पाकिया ने रफबुक में एक एक वाले लेके बे वार लखी नाखवानू छे। ठीक है मित्रों, चलो तो मळशुं आवता नेक्स्ट वीडियो में। त्यार सुधी बधा ज मित्रों घरे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।